नमस्कार मित्रों, आज हम बीकॉम 6 सेमेस्टर में भारतीय अर्थव्यवस्था इस विषय में भारतीय कृषि का महत्व, भारतीय कृषि का महत्व इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसा मैं डॉक्टर अनिल रामटे के एसोसिएट प्रोफेसर जीएस कॉमर्स कॉलेज वर्धा आज के ऑनलाइन लेक्चर के द्वारा मैं भारतीय कृषि का महत्व इस पर मैं बात करने जा रहा हूं। साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व एवं भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक सुकरात समिति सुकरात के अनुसार जब खेती फलती फूलती है तब सब धंधे पनपते हैं, किंतु जब भूमि को बंजर छोड़ दिया जाता है तब अन्य सभी धंधे नष्ट हो जाते हैं। सुकरात का मत भारतवर्ष पर पूर्णतः लागू होता है और भारतवर्ष आदि काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि ही देश के आर्थिक ढांचे की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। कृषि हमारे देश का न केवल एक उद्योग धंधा ही है और न केवल यह जीविकोपार्जन का साधन मात्र ही, वरना यह वास्तविक रूप से राष्ट्र का प्राण है, अपने देश का, भारत देश का प्राण है। भारत में कृषि का महत्व निम्न कारणों से जाना जाता है। पहला महत्व है अधिकांश जनसंख्या की जीविका का साधन। भारत में अधिकांश जनसंख्या की जीविका का साधन, भारत की कुल जनसंख्या का 75% भाग अपनी जीविका के लिए प्रत्यक्ष रूप से खेती पर आश्रित है। यदि परोक्ष रूप से आश्रित लोगों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाए तो यह प्रतिशत बढ़कर 80 से अधिक, 80% से अधिक हो जाएगा। इस प्रकार भारत में अधिकांश जनता की जीविका का महत्व एकमात्र साधन कृषि ही माना जाता है। यह बात अलग है कि 2019 में कृषि का क्षेत्र 57% जीडीपी में उसका पार्ट आता है, राष्ट्रीय आय का मुख्य साधन माना जाता है। दूसरा महत्व है राष्ट्रीय आय का मुख्य साधन। राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार देखिए तो भारत की राष्ट्रीय आय का अधिकतर भाग खेती खेती से ही प्राप्त होता है और कुल आय लगभग 55% भाग केवल खेती और पशु से ही प्राप्त होता है। इसलिए राष्ट्रीय आय का मुख्य साधन माना जाता है। कृषि राष्ट्रीय आय का मुख्य साधन माना जाता है। तीसरा महत्व है कृषि से खाद्य सामग्री प्राप्त होना। कृषि से खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। कृषि के द्वारा हमें सब प्रकार की खाद्य सामग्री जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का, चना आदि प्राप्त होती है। फल दाल भी कृषि से प्राप्त होती है। इसलिए कृषि खाद्य सामग्री के देने में हमारी सहायता करती है। खाद्य सामग्री देने में हमारी सहायता करती है। चौथा महत्व है उद्योग धंधों को कच्चा माल प्राप्त होना। उद्योग धंधों को कच्चा माल प्राप्त होना। कृषि से हमको उद्योग धंधे चलाने के लिए कच्ची सामग्री भी प्राप्त होती है, जैसे कपास, जूट, गन्ना आदि। भारत का विश्व में मूंगफली और चाय को पैदा करने में प्रथम तथा जूट, गन्ना, चावल आदि के उत्पादन में द्वितीय स्थान रहा है। पशुओं को चारा प्राप्त होना पांचवा महत्व है कृषि का महत्व। पशुओं को चारा प्राप्त होना। भारतीय कृषि द्वारा ही हमारे देश के करीब 40 करोड़ पशुओं को चारा प्राप्त होता है, जिससे हमें घी, दूध आदि पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। छठा
महत्व है कृषि का महत्व, आंतरिक और विदेशी व्यापार में महत्व, आंतरिक और विदेशी व्यापार में महत्व। कृषि की उपज ही देश के आंतरिक व्यापार और निर्यात की मूल्य वस्तुएं है। यदि हम आंतरिक व्यापार का पता लगाना चाहते हैं तो हमें कृषि की उपज का संबंध उससे अवश्य जोड़ना होगा। इसका अनुमान हम हर गांव में और मंडियों में होने वाले व्यापार को देखकर लगा सकते हैं। हमारी निर्यातों की मुख्य वस्तुएं चाय, रुई, तंबाकू, मसाले, तिलहन, जूट आदि रही है। 50% से भी अधिक विदेशी मुद्रा का उत्पादन कृषि से होता है। सच तो यह है कि देश का औद्योगिकरण ही कृषि पर निर्भर है। आज तो COVID-19 का दौर है, लेकिन इस COVID-19 के कार्यकाल में भी पर्याप्त मात्रा में कृषि का उत्पादन हमारे देश में हुआ है। गेहूं चावल के रूप में तो एक हरित क्रांति निर्माण हुई है। औद्योगिकरण की दृष्टि से कृषि पर निर्भर है, क्योंकि एक और तो उद्योगों के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री भी कृषि से प्राप्त होती है, और दूसरा देखिए तो देश के कृषि पदार्थ निर्यात करने करने के लिए औद्योगिकरण भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। तो औद्योगिकरण में सामग्री विदेशी विदेशों से मंगा सकते हैं, और आज भारत भी निर्यात बड़ी मात्रा में संगणक के जो रूप में बड़ी क्रांतिकारी की है, और आयात निर्यात में भी कृषि का क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। सातवां मुद्दा है भारतीय भारतीय सरकार का वित्तीय ढांचा कृषि पर अवलंबित है। भारतीय सरकार का वित्तीय ढांचा ज्यादा से ज्यादा कृषि पर अवलंबित है। भारतीय सरकार का वित्तीय ढांचा भी बहुत अंशी यानी बहुत अंशी तक खेती पर ही अवलंबित दिखाई देता है। राज्य सरकारों के लिए मालगुजारी आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। विकास अगर देखें भारतीय आर्थिक विकास में कर के रूप में से राज्य की आय वृद्धि होती है। राज्य की आय से आय में वृद्धि होती है। उसी प्रकार केंद्र सरकार को भी निर्यात करों में करों से प्राप्त आय का एक बड़ा भाग चाय, तंबाकू आदि पर लगाए गए उत्पादन करों से प्राप्त सारी आय कृषि कृषि से मिलती है। भारतीय सरकार का वित्तीय ढांचा बहुत बहुत अंशी कृषि पर अवलंबित है, ऐसा हम कह सकते हैं। आठवां मुद्दा है भारतीय कृषि का महत्व। इसमें परिवहन के लिए महत्व, परिवहन के लिए महत्व, यातायात के लिए महत्व। देश के विभिन्न परिवहन के साधनों में देखे तो रेल, मोटर, यातायात तो अपनी आय का बहुत बड़ा भाग कृषि उपज तथा कृषक जनता को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने के लिए प्राप्त होता है। आर्थिक विकास का मूलाधार, ऐसा माना जाता है कि कृषि एक आर्थिक विकास का मूलाधार है। किसी भी देश का आर्थिक विकास अधिकांशतः कृषि पर ही निर्भर रहता है, क्योंकि कृषि से ही अन्य उद्योग धंधे प्रभावित होते हैं। अच्छी कृषि होने पर उद्योगों के लिए आवश्यक पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं और कृषकों की आय में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार आर्थिक विकास का मूलाधार कृषि माना गया है। यही कारण है कि कृषि के विकास पर पंचवार्षिक योजनाओं में विशेष ध्यान दिया गया है, और आज 2014 के बाद कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति पाई है। भारतीय कृषि की विशेषताएं निम्न प्रकार की है। भारतीय कृषि की विशेषताएं, भारतीय कृषि की विशेषताओं में भारतीय कृषि एक जोने का तरीका है। स्वयं के उपयोग के लिए कृषि बहुत महत्वपूर्ण होती है। कृषि एक घाटे का धंधा भी माना जाता है।
कृषि श्रमिकों को अधिक संख्या, प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल भी कृषि में दिखाई देता है। जैसे कि भारतीय कृषि की विशेषता है, भारतीय कृषि एक एक जीने का तरीका है। भारतीय कृषि एक जीने का तरीका है। थैंक यू।